हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं शोभनी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड और कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आज आप लोगों के लिए दो फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन वीडियो कहिए या कहिए कौन सा बेटर फाउंडेशन है आपकी स्किन के लिए, उसी से रिलेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लोरियास और लैकमे दो ब्रांडेड कंपनियों के फाउंडेशन को ऐड किया हुआ है। यह है लैकमे फाउंडेशन, जो आपको ऑलमोस्ट हर किसी दुकान पर 100 रुपये में इजी से मिल जाएगा। और यह है लोरियाल का फाउंडेशन, जो कि आपको इजी से दुकान पर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर इसकी रेंज की बात की जाए ये 200 में आपको इजी से किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। इन्हीं दोनों का रिलेटिव वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन सा आपकी स्किन के लिए बेस्ट होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लोरियाल में शेड नहीं आते हैं, लोरियाल में केवल दो शेड होते हैं, एक ये है और एक इससे कम शेड होता है। और सेकंड है कि जो आप लैकमे का लगा के देखते हैं, लैकमे का फाउंडेशन लेते हैं, तो उसमें आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शेड आते हैं, जिसको आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें फाउंडेशन लेना है तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन को अपनी मेकअप किट में ऐड करना है। क्योंकि बहुत लोगों को, जैसे ये है लोरियाल का फाउंडेशन, इसमें ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी स्किन टोन को देखिए। स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड लैकमे में ही मिलते हैं, जो कि आपको 100 रुपये में इजी से मिल जाएगा। और लोरियाल की बात की जाए तो केवल इसमें दो शेड ही होते हैं, ये है फर्स्ट शेड, इससे डाउन एक और शेड आता है, दो शेड ही आते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, मैं आज आप लोगों को इन दोनों फाउंडेशन की रियलिटी बताती हूँ। ये है लोरियाल का फाउंडेशन, जो कि टोटली क्रीम बेस्ड है और साथ साथ स्किन टोन इसके ब्राइटनेस इसमें कुछ ज़्यादा ही है, और स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसमें शेड नहीं आते, केवल दो शेड आते हैं। ये आपको इजी से किसी भी दुकान पर मिल जाता है, लेकिन अगर शेड की बात की जाए, हमेशा हमें फाउंडेशन अपने शेड के अकॉर्डिंग ही लगानी चाहिए, स्किन शेड के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। तो इसमें कोई शेड नहीं आते, इसमें केवल दो शेड आते हैं। और लैकमे की बात की जाए तो ये वाटर बेस फाउंडेशन है, जिसमें शेड बहुत इजी से आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे, और वाटर बेस होने की वजह से ये आपकी स्किन पर ब्यूटी ब्लेंडर से या किसी भी चीज़ से अगर आप लगाते हैं तो ईजिली से मेल्ट हो जाता है, पूरे में एक सा लग जाता है। हम जब भी लोरियाल के फाउंडेशन को लगाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि मानो हमने कुछ ऊपर से लगाया हुआ है, साफ दिखाई देता है, क्योंकि क्रीम बेस से कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग करता है और कुछ चिपचिपा चिपचिपा सा लगता है। लेकिन अगर मैं लैकमे का फाउंडेशन लगाती हूँ तो टोटली ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, मेल्ट हो जाता है, मिल जाता है कि जैसे मानो जैसे मेरी ही स्किन हो। और अगर आप लोगों को किसी को भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ऑयल ज़्यादा इंक्रीज होता है, ऑयली स्किन है, तो आप लोरियाल के फाउंडेशन को टोटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बेस फाउंडेशन है। आप चाहें तो लैकमे का लगा सकते हैं। मैं यहाँ दोनों का आप लोगों को पैचअप या टचअप बता रही हूँ कि दोनों के शेड इस प्रकार होते हैं। जैसे कि लोरियाल का आपको वाइट दिख रहा है, वाइट नहीं है, लाइट पिंक होता है, और ये है लैकमे का, जो आपको मैं मिक्सअप करके बता रही हूँ। आप लैकमे के फाउंडेशन को देख सकते हैं, वाटर बेस है तो किस तरह पानी पानी सा लग रहा है, और ये जो लोरियाल का है वो क्रीम बेस है तो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मेल्ट कीजिए, लैकमे का फाउंडेशन पूरी तरह से आपकी स्किन पर स्किन में अच्छे से मेल्ट हो जाता है, अच्छी स्किन में समा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी ही स्किन है। तो और क्रीम वाला है जो लोरियाल का है वो अच्छे से मैस नहीं होता है, या कहिए अलग से कुछ लगा हुआ है ऐसा दिखता है। तो अगर आप इन दोनों में कोई लेना चाहते हैं, पहले मैं इन दोनों का शेड बता दूं, ये लैकमे का है और ये मेरी स्किन से काफ़ी मैच करता है, ये लोरियाल का है जो मेरी स्किन से बिल्कुल मैच नहीं करता है। इसीलिए अगर आप लोग भी कोई अच्छा सा फाउंडेशन चाहते हैं जो कम रेंज में आए, तो आप लैकमे के ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी शेड है। लोरियाल को बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर ऑयली स्किन है तो, अगर आपका स्किन शेड ब्राइट है तो आप लोरियाल का ले सकते हैं। तो ये था इन दोनों का रिव्यू, अच्छा लगा हो तो आप लोग इन दोनों में से जो आपकी स्किन का शेड हो, स्किन का टाइप हो, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे लैकमे का ही सूट करता है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी
ऑयली है। ड्राई स्किन है तो आप कोई भी ले सकते हो, दोनों आपको शूट करेगा, लेकिन ऑयली स्किन के लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों में से एक। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी जेब के अकॉर्डिंग और साथ साथ अपनी स्किन सेट के अकॉर्डिंग इनमें से जो आपको सही हो वही फाउंडेशन लीजिए। तो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।